अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली फ्रेंड्स, क्या हाल है, उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे, खैरियत से। फ्रेंड्स, आज जुम्मे का दिन है तो हम चलते हैं आपको सैर करवाते हैं। ये देखिए, ये इधर भैंस खड़ी है, गाय खड़ी है, ये देखिए। और हम आपको ये सुबह सुबह के टाइम में नाश्ता किया, चलते हैं आपको सैर करवाते हैं। हमारे साथ ही बने रहिए। अगर जिस बहन भाई ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर दे, हमारे चैनल को शेयर किया करें दोस्तों के साथ। ये देखो, अभी मैंने बाइक को धो दिया है, मट्टी बहुत थी, शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूँ मैं। उसका नाम है, आपने बहुत टिकटॉक पे नाम सुना, खान वसीम खान टिकटॉक स्टार है, तो ये आप देख सकते हैं, मैं उसकी शॉप पे आ गया हूँ। तो चलते हैं, ये देखे वसीम साहब से मुलाकात करते हैं। और ये इधर देखे, ये छलिया पड़ी है, सूख रही है, तो वसीम साहब के पास चलते हैं, मुलाकात करते हैं, आपको मिलवाता हूँ, हमारे साथ ही बने रहिए। अस्सलाम वालेकुम वसीम साहब। ये हमारे भाई वसीम खान साहब है, टिकटॉक पे बहुत बड़ा इनका नाम है, तो हम भी बहुत बड़े फैन हैं वसीम भाई के। वसीम भाई, कितने आपके सब्सक्राइबर हैं? सब्सक्राइबर मेरा तकरीबन 29,000 हो गया है, क्योंकि मैं अभी नहीं वीडियो आया हूँ। माशाल्लाह, बातें ही छा गई है। वसीम साहब, ये बताया आपने ये शॉप बनाई है, ये सैलो में क्या पड़ा आपको, मैं दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं। तो ये क्या चीज है अपना दोस्त? मेरे पास इस वक्त जो है ना, खल वगैरह है जो जानवर को हम डालते हैं, उसके बाद बट्टा है, पांच जानवर है, मार्टर है, लोग शामिल है, और हमारे पास बीज है, ये भी का बीज है, ये हमारे पास सरसों का बीज है, उसके बाद हमारे आटा भी रखा हुआ है, जो आगे चलते हैं, आगे आपको और सैर करवाते हैं और लोगों से मिलवाते हैं। जी फ्रेंड, अभी हम आ गए हैं, ये देखे सैयद तैयर साहब के नाम से, ये हमारे शहर साहब बैठे, शहर भाई है, ये खिदर साहब है, ये खिदर साहब, ये कर बेटा बेटी है, अरे खिदर साहब की बेटी है। चलो जी, हूँ तुम आगे अगे होर सैर करवाना है, जो समान लेना है, चाह पत्ती है, ये की है जी, ये पापड़ है जी, तैयार शाह क्रैनर स्टोर नसीरपुर के अंदर। जी फ्रेंड, इस वक्त मैं जा रहा हूँ, आप ये देख सकते हैं, ये हमारी नदी है, लेकिन इसमें पानी नहीं है, सूखी हुई है, आप ये देख सकते हैं, ये पूरी ये छलिया पड़ी है, इसके वो छली के कॉर्न्स भी कहते हैं और छली के दाने शाने भी निकलती है। तो आप ये देखो, ओ चाचा फलकू। जी फ्रेंड, मैं जा रहा हूँ, जुम्मे का दिन है तो वैसे भी, और मैं बहन भाइयों से यह कहता हूँ को, जिनके माँ बाप या कोई भी रिश्तेदार फौत हो गए हैं, तो आप अगर पहले नहीं जा सकते ना, तो कम से कम आप जुमे के वाले दिन जरूर जाया करें, माँ बाप के कब्रों पर, बहन भाइयों के, रिश्तेदारों के कब्रों में जाया करें, वैसे सवाब है। अगर आप किसी के बड़ों की कब्रों में जाओगे ना, कल आप मरोगे तो आपकी कब्र में नहीं आएगा फातिमा। तो मैं अपने अब्बू की कब्र में जा रहा हूँ, मेरे दादा दादी पूरे इधर खानदान, तो मेरे
जा रही है पूछते हैं ये किधर जा रहे हैं। ये सकलैन भाई है, ये कमर भाई है, अरफान अरफान भाई पुटे पुटे नारे में सीधा नाम कैसे हो गया। हमा भाई ये टिकटॉक स्टार हमा भाई, आपने देखो का इनको टिकटॉक। ये मेरे चाचू का बेटा, ये भी चाचू का बेटा, ये भी समझो कजन का बेटा है। तो ये किधर जा रहे हैं सुबह सुबह? चारा काटने के लिए, मकई काटने के लिए जा रहे हैं। चले जी, आप जाए मकई काट के फिर मुलाकात होती है। हम तो सारे तो हम फिर आगे जा जाते हो भाई, हमारी तरफ भी लगाएगा। ये देखिए ओके जी फ्रेंड, ये देखिए चावल की अभी तक कटाई नहीं, ये चावल की फसल बढ़िया होने की उस तरफ। और ये भी इधर, ये मेरे, ये हमारी पूरी बस्ती है। ये देखिए ये आगे रोड जाती है, ये मेन रोड है, हम इस तरफ चलते हैं। ये फ्रेंड आप ये देख सकते हैं, ये इधर जानवर खड़े हैं। ये देखिए इधर ये कट्टी है, ये भैंस है, ये पूरा कब्रिस्तान है। तो आप भी कब्रों में आया करें, फातिहा पढ़ा करें, ताकि आप कल को मरे तो आप कब्र में भी कोई आएगा फातिहा पढ़ने के लिए, ये सोच के जरूर आइएगा। ये फ्रेंड मैं फातिहा पढ़ चुका हूँ, लगे आगे अपने मेरे चाचा के बेटे हैं फकर जमान साहब, तो इस वक्त आगे इनके जानवर देखते हैं। फकर साहब कट्टी है जिन्हें गुलाब कहते हैं, ये भी कट्टी है। अच्छा, अच्छा। ये बड़ी भैंस है, वो दूध देती है, ये भी भैंस के बच्चे है दूध, तो ये भी दूध देती है। ये एक टाइम का कितना दूध देती है, और ये गाय है। अच्छा, ये अभी दूध देने वाली है, तो इंशाल्लाह ताला जब दूध देगी तो फिर दूध भी पिएगी, आपको दिखाएंगे फकर भाई दूध कैसे निकालते हैं। ये छोटा एक बच्चा भी है गाय का बच्चा, ये देखिए ये छोटा सा है। ये चलते हैं आपको और आगे आगे सैर करवाते हैं। ये आप ये देख सकते हैं, ये गाय है, ये दूध देती है, जिसका वो छोटा सा बच्चा आपने देखा होगा, उस तरह भी इस तरफ देखो, ये भैंस है, ये भी छोटा भैंस का बच्चा, और वो भी बड़ी भैंस उधर बैठी हुई है, ये छोटे छोटे उनके बच्चे हैं, माशाल्लाह बहुत प्यारे प्यारे हैं। इस तरह आप देख सकते हैं, ये पूरे जो है अभी गंदम लगाई हुई है, छोटी छोटी हो रही है। इंशाल्लाह ताला मैं अपने आप को मेरे जो विलेज है मैं उसकी अच्छी अच्छी सैर करवाता हूँ, हमारे साथ बने रहिए। जी फ्रेंड हम जा रहे हैं अभी घर को, तो आप ये देख सकते हैं बहुत अच्छा सुबह सुबह, इतनी सर्दी भी नहीं है, तो बहुत अच्छा प्यारा मौसम है। हमें दीजिए इजाज़त नेक्स्ट वीडियो तक, हम इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग के साथ फिर आएंगे। ओके अल्लाह हाफिज़।